अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज यहाँ पे मैं आई हूँ लाहौर हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। तो अचानक से बस जाना पड़ा। तो क्यों जाना पड़ा ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं, वो जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में याद रखिएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो बस अचानक से आना पड़ा यहाँ पे। मेरे जो है, मैंने थोड़ा सा वीडियो जो है वो शूट किया हुआ है हॉस्पिटल के, क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी ग्रीनरी थी, पौधे लगे हुए थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे ना जो डॉक्टर्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी होते हैं, तो उन्होंने वाइट कोट पहने होते, इतने अच्छे लगते उनको देख के दिल करता है कि जो मेरी बेटी हैं वो भी डॉक्टर बने इंशाल्लाह ताला। बस अचानक इसलिए आना पड़ा कि भाई की बेटे को चेक करवाना था और डॉक्टर ने आज ही बैठना था, तो इस वजह से फिर अगर लेट हो जाते तो भी काफ़ी दिन पड़ जाने थे, इसलिए हमें एमरजेंसी आज ही जाना पड़ा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली थी। तो बस दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक उसको सेहत वाली ज़िंदगी दे। भाभी मुझे साथ ले गई थी इस वजह से, क्योंकि मैं हिबा को चिल्ड्रन हॉस्पिटल में लेके जाती हूँ, तो भाभी कहते तुम्हें चलो एक्सपीरियंस है, तो इस वजह से मैं भाभी के साथ चले गई। तो बस मेरी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जो लोग जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। और अब मौसम भी चेंज हो रहा है, अब गले ख़राब, बच्चों के बुखार, तो इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात किया करें। बच्चों को फुल कपड़े पहनाया करें, क्योंकि आजकल मच्छर भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ज़रा एहतियात ही बेहतर है। अब मौसम ऐसा है कि समझ नहीं आती है कि एकदम से गर्मी लगने लग जाती है, एकदम से जो है वो सर्दी लगने लग जाती है। तो इसलिए बच्चों को दिन में बेशक हल्के फुल्के कपड़े पहना लिया करें, लेकिन रात के टाइम जो है ना कपड़े पहनाया करें, ताकि बच्चों को ठंड ना लगे। सांस का मसला इतना था, नाक बंद है सर्दी की वजह से, क्योंकि ठंडी हवा चलती है रात को, ठंड हो जाती है, पंखे की हवा भी जो है ना वो ठंडी लगती है, तो नाक बंद थे बच्चों के, चेस्ट इन्फेक्शन था और खांसी इतनी, बुखार, बड़ों में भी यही, बड़ों की भी यही कंडीशन है, छोटों की भी यही कंडीशन है। तो इसलिए एहतियात करें कि बच्चों को फुल कपड़े पहनाएं, अगर हो सके तो नीचे से बनियान वगैरह पहना दिया करें, ताकि बच्चों को ठंड ना लगे, सीने को ठंड ना लगे। तो अगर हो सके तो हल्की सी जो बारीक सी सॉक्स होती हैं वो पहना दिया करें, जब ठंडी हवा चल रही हो। तो मुझे तो अब एक्सपीरियंस हो गया, वरना हर साल हिबा जो है ना बीमार हो जाती थी, उसे चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता था, तो अब तो माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि अब मुझे काफ़ी तजर्बा हो गया कि बच्चों को इस तरह से हैंडल करना है। क्योंकि बच्चों का सबसे पहले ना पाँव से ठंड लगती है, और नीचे से आजकल जो है ना मौसम वो क्या, कॉटन स्टफ़ पहनाएं आप, फुल स्लीव पहनाएं और नीचे से बनियान पहनाएं, तो जो बच्चे ना काफ़ी हद तक कवर कर जाते हैं, तो उनकी जो नोज़ी बहती है, ज़ुकाम नहीं होता और चेस्ट इन्फेक्शन नहीं होता, तो बच्चे जो है ठीक रहते हैं। तो यहाँ बस यहाँ पे कुछ क्रॉकरी थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी, बहुत प्यारी ये मग वगैरह थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि आप घर में आम रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। तो बस आज की वीडियो यही तक थी, तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और बस वॉइस ओवर भी नहीं हो रही है, तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपनी बेटियों को और जितने भी बीमार हैं अल्लाह पाक सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि हॉस्पिटल में इतने बच्चे बीमार थे, इतने बच्चे मैंने देखे फल्ला, कि अल्लाह पाक सब पे अपनी खासकर रहमत करें। और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।